कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्राममचेतसः मां चैवान्तः शरीरस्थं तान् विद्धि यासुरनिश्चयान्। दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने सोमवार के कार्यक्रम में एक अद्भुत अनूठा अलग और बिल्कुल जानकारी बड़ी अच्छी जिसके आधार पर आप ये जान सकते हैं कि ग्रह की महादशा या ग्रह की अंतरदशा कितनी धनदायक है। होरा कुंडली D2 चार्ट से संबंधित ये कार्यक्रम है, कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। ये ज्योतिष का नया कार्यक्रम, बिल्कुल नया विषय जो आप लोगों को पहली बार मैं बताने वाला हूं। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। ग्रह 1, 2, 3, 4, 5, 6 से लेकर के 12 तक, मतलब इसमें आपको सम संख्या की राशि है और विषम संख्या की राशि है। सम संख्या की राशि में बैठा ग्रह और विषम संख्या की राशि में बैठे ग्रह आपको देखने हैं कि कौन सा ग्रह किस राशि में बैठा है, मतलब कोई भी ग्रह सम संख्या में है या विषम संख्या में है। मेष राशि में यानी कि सम विषम संख्या में, वृषभ राशि यानी कि सम विषम सम सम विषम ऐसे, मतलब आरंभ मेष से शुरू होती तो एक नंबर यानी कि विषम संख्या, सम विषम सम विषम, ये उसकी सारणी हो गई। अब क्या देखना है, देखना क्या, बस चुपचाप देखते जाइए, मैं जो बता रहा हूं उसको समझते जाइए ध्यान से मेरी तरफ देख के। गीताजी का श्लोकार्थ भी बताऊंगा। मेष राशि में यानी कि विषम संख्या में अगर कोई ग्रह 0 डिग्री से लेकर के 15 डिग्री के मध्य में बैठा है तो वो सूर्य की होरा में बैठेगा। होरा कुंडली वो कुंडली होती है जो सिर्फ दो राशियों से निर्मित होती है, सूर्य की राशि सिंह राशि से और चंद्रमा की राशि कर्क राशि से। ये दोनों ही राशियां व्यक्ति के जीवन में संपन्नता और संपदा, धन संपदा को दिखाती हैं। अगर विषम संख्या की राशि में कोई ग्रह बैठा है 0 से 15 डिग्री के अंदर, मान लीजिए कोई भी ग्रह आपकी कुंडली में विषम संख्या की राशि में बैठा 0 से 15 डिग्री के अंदर में है तो वो सूर्य की होरा में बैठेगा, यानी कि जब D2 चार्ट आप देखेंगे तो वो सिंह राशि में बैठा हुआ दिखाई देगा, 5 नंबर की राशि में बैठा देगा, जो व्यक्ति को वो ग्रह, ध्यान से समझिए अब यही मेन पॉइंट है, जो वो ग्रह होगा वो अपनी दशा में स्वयं के प्रयासों से, अपने पराक्रम से, अपने पुरुषत्व से, अपने पुरुषार्थ से धन अर्जित करवाता है। और अगर वही ग्रह 15 डिग्री से लेकर के 30 डिग्री के बीच में बैठा है तो वो चंद्रमा की होरा में बैठेगा, जो उसको कई बार आसानी से तो नहीं पर थोड़ी मेहनत बढ़ा करके, कई बार आपके भाग्य के भरोसे, जो आपका भाग्य है भाग्य के सहायता से, मतलब यहां पे आपको मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ती है, यहां थोड़ा कम मेहनत करना पड़ता है, यहां पे आपको भाग्य का सुख मिल जाता है और आपको धन संपदा और चल अचल संपत्ति मिल जाती है। ये इस कार्यक्रम का मुख्य बिंदु है। वृषभ राशि में कोई ग्रह बैठा है और 0 से 15 डिग्री के बीच में बैठा है तो वो चंद्रमा की होरा में बैठेगा, और ये चंद्रमा की होरा में जो ग्रह बैठे होते हैं वो ग्रह भाग्यशाली बनाते हैं, वो ग्रह अपनी दशा में व्यक्ति को मानसिक शांति के साथ, निश्चलता के साथ, दुर्बुद्धि से मुक्त होकर के, बिल्कुल ही सबको प्रिय बना करके, किसी से बिना दुश्मनी किए हुए, भाग्य का सुख पाते हुए व्यक्ति को धन देते हैं। अगर फिर वही बात, क्या बात कही मैंने कि अगर मेष राशि में कोई ग्रह बैठा 0 से 15 डिग्री तक तो वो सूर्य की होरा में बैठेगा, एक्स्ट्रा एफर्ट करवाएगा, खूब मेहनत करवाता है, लेकिन 15 से 30 डिग्री के बीच में बैठा है तो वो चंद्रमा के होरा में जाएगा, जिसके कारण वो व्यक्ति को भाग्य के भरोसे धन देता है और मन शांत रहता है उस ग्रह की दशा में जो विषम संख्या की राशि में बैठा है। अगर वो मिथुन राशि में है, जैसे मिथुन राशि यानी कि विषम संख्या की राशि, मान लीजिए आपकी कुंडली में कोई भी ग्रह मिथुन राशि में बैठा है
जो भी ग्रह मिथुन राशि में बैठा है उसकी डिग्री देखनी है कि वो कितने डिग्री पे बैठा है। अगर वो 0 डिग्री से लेकर 15 डिग्री तक बैठा रहेगा तो चूंकि ये विषम संख्या की राशि है और 0 से 15 डिग्री के बीच में बैठा है तो वो सूर्य के होरा में बैठेगा। यहां आप देखिए सिंह कर्क, सिंह कर्क, सिंह कर्क, सिंह कर्क, सिंह कर्क, सिंह कर्क, सूर्य की होरा, चंद्र की होरा, सूर्य की होरा, चंद्र की होरा, सूर्य की होरा, चंद्र की होरा, सूर्य की होरा, चंद्र की होरा। और मेष राशि यानी कि विषम संख्या में 15 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में बैठा है तो वो कर्क राशि में यानी कि चंद्र की होरा में बैठेगा। विषम संख्या की राशि में 15 डिग्री तक ग्रह सूर्य की होरा में बैठता है, विषम संख्या की राशि में 15 से 30 डिग्री तक का ग्रह चंद्र की होरा में बैठता है और यह शांति से धन देता है। इतनी सी बात है, इसको आगे और भी बढ़ाऊंगा, इसमें और भी बहुत सारे सूत्र होंगे जो अप्लाई होंगे, इसका अलग एक मैं प्लेलिस्ट बना देता हूं, आप लोगों को आसानी होगी। अपनी दशाओं को पहचानने का यह सबसे सरल, सबसे आसान और सैद्धांतिक परीक्षण है और यह बड़ा काम करता है। आप होरा कुंडली देख करके ऐसे पता लगा सकते हैं कि आपको मेहनत करनी है या फिर थोड़े कम भाग्य के भरोसे, या फिर भाग्यवादी बनकर के तो नहीं, कुंडली भाग्यवादी नहीं बनाती, पर हाँ निस्संदेह आपको पूर्वजों का आशीर्वाद तो अवश्य ही प्राप्त हो जाता है। होरा कुंडली के आधार पे आप बहुत सारी, चूंकि होरा इसलिए देखा जाता है कि वो ग्रह होरा से कितना बलवान है या उसको वो किस होरा में बैठा है, सूर्य और चंद्र की होरा में से जिस होरा में बैठा रहेगा, होरा का मतलब होता है अहोरात्र, पूरे 24 घंटे के दिन को, दिन रात को अहोरात्र कहा जाता है, जिसमें से अ हटा दिया और त्र हटा दिया तो क्या बचा, हो रा। अब वो जो है वो संपूर्ण दो दो घंटे का पक्ष हो गया, दो दो घंटे का एक एक हिस्सा हो गया, तो सूर्य की होरा, चंद्र की होरा, सूर्य की होरा, चंद्र की होरा, ऐसे वो 12 राशियों में विभक्त हो जाता है। तो कहने का अर्थ है कि वो मेष राशि यानी कि सिंह राशि में, अगर 0 से 15 डिग्री सूर्य के होरा में, आप इसे सूर्य भी लिख सकते हैं, सूर्य के होरा में, चंद्र की होरा में, सूर्य की 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 होरा में, चंद्र की होरा में, समझ रहे होंगे। बस आपको सिर्फ डिग्री देखनी है और उसको समझ लेना है कि अगर वो विषम संख्या में बैठा 0 से 15 तक है, तीसरी बार बता रहा हूं, तो वो सूर्य के होरा में, मतलब वो धन आपसे मेहनत करवा करके देगा। मानसिक शांति थोड़ी कम रहेगी, व्यग्रता थोड़ी रहेगी, थोड़ा इरिटेशन होता है, और चंद्र की होरा में ग्रह शांति से और पूर्वजों के आशीर्वाद से धन देता है। अब आइए आपको गीता जी के श्लोक का अर्थ बताऊंगा, बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करूंगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। मेरे दिमाग की एक बड़ी अच्छी बात या कहें या बुरी बात कहें, मैं ये चीज मैंने शुरू से अनुभव किया है, मेरा दिमाग ऐसा है, अगर आप मुझे जल्दी जल्दी पढ़ाएंगे, जल्दी जल्दी बोलेंगे तो मैं उसे जल्दी पकड़ लेता हूं, पर अब धीरे 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 समझाएंगे मैं उसे पकड़ नहीं पाता। मैं जल्दी जल्दी अगर कोई व्यक्ति जल्दी जल्दी बोलेगा मैं उसको पकड़ लूंगा, पर अगर धीरे धीरे तो मैं उसी में उलझ करके रह जाता हूं। तो पर मैं आप लोगों को समझता हूं, हो सकता है आप लोगों के साथ ये बात ऐसी नहीं हो, इस वजह से मैं धीरे धीरे समझा रहा हूं, क्योंकि ये वो चैप्टर है जहां से आप अपनी महादशाओं को और ग्रह की प्रकृति को समझ लेते हैं। क्लियर है? मेरा दूसरा चैनल है नकुल पाराशर शॉर्ट्स, उसे भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा एप्लीकेशन है ज्योति सिंह लक्ष्य के नाम से, उसे भी जरूर इंस्टॉल कर लीजिए। आइए अब आपको गीता जी के श्लोक का अर्थ बता देता हूं। गीता जी के 17वें अध्याय के 6वें श्लोक में भगवान ने बात कही है, जो व्यक्ति दंभों से युक्त होकर के, अहंकार से युक्त होकर के और तमस तत्व की प्रधानता से युक्त होकर के मेरी भक्ति करता है या फिर अपना काम करता है, उसे यूं समझ लीजिए कि वो नारकीय है, वो कष्ट भोगेगा। कोई भी काम करने से पहले अगर वो अहंकार से युक्त है, अहम तत्व से, तमस तत्व से युक्त होकर के काम कर रहा है, क्रोध से है, हठ से है, किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए कोई काम कर रहा है, कोई राजनीति है उसके दिमाग में, कोई पूजा पाठ मंत्र जप अगर किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए कर रहा है, इसका अर्थ है कि वो नारकीय है और उसे कष्ट अवश्य ही होगा। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। मेरे पुराने पीछे के कार्यक्रम भी आप अवश्य देख लीजिए, राहु केतु से संबंधित, नवमांस कुंडली से संबंधित, कुंडली विश्लेषण से संबंधित, प्लेलिस्ट जाकर के चेक करिए, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।